हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्वाति और आप देख रहे हो स्वतिरिच का लाइफस्टाइल। आज फिर लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार एक वीडियो। थंबनेल से तो पता चल गया है ना। सबसे पहले आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज जो लेके आई हूँ मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा एक मज़ेदार वीडियो और रेमेडी लेके आई हूँ, तो आपको थंबनेल से तो पता ही चल गया है। तो आज ना हम बात करेंगे पिन वर्म के बारे में, जो स्पेशली हर किसी को होता है। स्पेशली किसी को नहीं, हर किसी को होता है। जैसे कि बच्चों को भी होता है, लड़कियों को भी होता है, या फिर औरतों को भी होता है। पर क्या है ना, जब लड़कों को होता है, बच्चों को होता है ना, वो इजीली हर किसी को बोल सकते हैं कि उसको प्रॉब्लम क्या है। जब एक औरत के ऊपर आता है ना, तो बहुत ज़्यादा परेशानी झेलना पड़ता है, क्योंकि ना वो डायरेक्ट नहीं बोल पाती है कि एक्चुअली उसको हुआ क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ना, पिन वर्म जो होता है एनस में बहुत ज़्यादा इचिंग सा एक सेंसेशन देता है। और स्पेशली ना ये कब होता है, जब आप सोते हो, रेस्ट करते हो, पिन वर्म जो है वो डिस्टर्ब दे रहा है। जब आप रात को सोते हो, स्पेशल रात को जब सोते हो ना, तो ये चीज़। तो ये है ना कि और तो जो होता है ना, वो तो डॉक्टर के पास हर कोई नहीं जाता, शर्म करती है, नहीं जाती है। किस तरह से एक्सप्लेन करे, अगर वो जाती भी है तो एक्सप्लेनेशन जो करना पड़ता है ना, इस वजह से वो अवॉइड करता है डॉक्टर के पास जाना और झेलती रहती है पिन वर्म का इचिंग से। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छा रेमेडी शेयर करना चाहती हूँ। मैं चैलेंज देती हूँ, सिर्फ 2 दिन का। ये चैलेंज 2 दिन का है, आप ट्राई करना और ट्राई करके मुझे कॉमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना कि आपको पिन वर्म से छुटकारा मिला है कि नहीं। 2 दिन का चैलेंज देती हूँ, 2 दिन आपको ये ट्राई करना है रेमेडी। अगर आपको ठीक लगा ना, तो कंटिन्यू करना 1 वीक के लिए। ठीक है, अगर बीच बीच में फिर से शुरू हो जाता है ना, तो आप बस महीना में ना 2 बार ये रेमेडी सिर्फ आपको बना के पीना है। तो किस तरह से करना है सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये क्या आई हूँ, ये वाला डब्बा, ये हॉर्लिक्स का डब्बा है, यहाँ पर मैंने डाल के रखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है वही चीज़ मैं दिखाने वाली हूँ, मैं किस तरह से स्टोर करके रखती हूँ होममेड रेमेडी के लिए, क्योंकि ये चीज़ मुझे अच्छे से रखना होता है, क्योंकि ये मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ, खुद पीती हूँ, खुद बनाती हूँ, खुद खाती हूँ। तो इस वजह से मुझे अच्छे से रखना पड़ता है, कहीं जहाँ तहाँ मैं नहीं रखती हूँ, अच्छे से रखती हूँ। और वही चीज़ जो मैं खुद के ऊपर ट्राई करती हूँ, वही चीज़ आपके साथ शेयर करते रहती हूँ। तो 2 मिनट लगेगा और 2 दिन का चैलेंज देंगे, ये जरूर ट्राई करना। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है, ये है कच्चा हल्दी। जो कच्चा हल्दी जो मिलता है ना बाजार में, वो मैंने लेके आया था, क्योंकि पिन वर्म का जो है प्रॉब्लम हमारे घर पर औरतों को है, तो था मतलब, तो इस वजह से ये चीज़ लेके आई थी मैंने। और इसमें से मैंने ज़्यादा यूज़ किया है, थोड़ा सा यूज़ किया है, सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो आपके साथ ही शेयर करवा लूँ, तो मतलब शेयर कर दूँ। तो ये चीज़ जो है ना, ये है जो कच्चा हल्दी बाजार में आपको मिलता है, उसको लेके आके ना, उसको जो उसका कवर है ना, उसको साफ करके, ठीक है, उसको साफ करके मैंने ऐसा चीज़ की तरह पतला जो है ना, इस तरह से पतला मैंने काट के सुखा के रखा हुआ है। सुखा के क्यों रखा हुआ है, क्योंकि आपको कच्चा हल्दी ना हमेशा अवेलेबल नहीं मिलता है। अगर आपको एकदम साथ साथ में बना के खाना है, वो भी आप कर सकते हो, वो तो बहुत अच्छा रहेगा। पर क्या है ना, जब आपको चाहिए तब तो आपको मिलेगा नहीं। तो इस वजह से कच्चा हल्दी के सीजन वाइज में ये ज़्यादा मिलता है, कम रेट में मिलता है। तो मैं बाजार से ये लेके आई हूँ और लेके आकर मैंने इसको चिप्स की तरह पतले पतले काट के सुखाए, सिर्फ 2 दिन में सूख जाता है अच्छे तरीके से। अगर रात धूप रहा है ना, तो 1 दिन में सूख जाता है, सुखा के इस तरह से प्लास्टिक में अच्छे से बांध के फिर कंटेनर के अंदर में, जिसमें हवा ना घुसे, उस तरह से रखा हुआ। अब क्या करना है आपको, पिन वर्म का सॉल्यूशन क्या है, तो सीधा मैं टॉपिक में आ जाती हूँ। तो आपको पिन वर्म अगर है ना, तो आपको सिर्फ क्या करना है, चाय बनाना है। तो आप सोच रहे होंगे कि चाय बनाना है, जी हाँ। तो ये जो चीज़ है ना, आपको ज़्यादा नहीं लेना है, बस आपको इतना लेना है, इतना सा लेना है, ठीक है, 2-3 या फिर 3-4 लेना है, ठीक है। ये जो है ना, आपको 2 टाइम इसको पीना है। तो किस तरह से पीना है, चाय बनाकर। तो आप चाय बनाते वक्त क्या करते हो, आप चाय में थोड़ा सा जो है ना चाय पत्ती देते हो, तो थोड़ा सा चाय पत्ती देना, क्योंकि ना अगर आप ये खाली बना के पियोगे ना, तो आपको थोड़ा ख़राब लगेगा इसका टेस्ट। तो आपको थोड़ा चाय पत्ती दे देना है चाय बनाते वक्त। और उसमें इसको ना कूटने से पहले थोड़ी देर, 1-2-3 मिनट के लिए इसको भिगो के रख देना, उसके बाद कूट लेना थोड़ा सा, तो ये एकदम सा इसका जो काम बन जाएगा, ये कच्चा वाला जो हल्दी होता है ना, वैसा हो जाता है, ठीक है। तो इसको ना थोड़ी देर भिगो के रखना है, फिर उसको कूट लेना है, चाय पत्ती थोड़ा सा देना है, चाय में 1 कप पानी लेना है, उसमें ये कूट के डाल देना है, भिगो के कूट के डाल देना है। उसके बाद थोड़ा सा चाय पत्ती देना है, थोड़ा सा अजवाइन देना है, और थोड़ा सा जो अदरक है ना, वो आपको थोड़ा सा ग्राइंड करके दे देना है, फिर चाय बनाना है आपको। तो आपने 1 कप पानी लिया ना, अब उसको 1/2 कप कर दो, उसको अच्छे से बॉयल आने दो, और उसके बाद कवर करके बॉयल करना है। 1/2 कप जैसे हो जाता है ना, फिर उसको ना गरम गरम आपको कब खाना है, खाना खाने के बाद, जैसे कि आप रात को खाना खा लिया है ना, खाना खाने के बाद साथ साथ में जब पानी पीते हो ना, जैसे थोड़ा सा पानी पी लिया, उसके बाद ये चाय बना के पी लेना, ठीक है। ये आप सिर्फ 2 दिन ट्राई करो, 2 दिन में अगर आपका एनस में पिन वर्म का जो सेंसेशन जो होता है ना, वो अगर बंद नहीं हो गया ना, तो मैं जो ये वीडियो में डिलीट कर दूँगी। ये इतना अच्छा काम देता है, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा स्टोर करके रखा हुआ है, ऐसे तो स्टोर करके रखा हुआ नहीं है, क्योंकि ये चीज़ हम खुद फॉलो करते हैं इस वजह से। तो ना आपका जो एनस में जो पिन वर्म जो डिस्टर्ब देता है ना, वो एकदम जड़ से ख़त्म हो जाएगा। आपको ऐसा लगे ना कि हाँ ये काम दे रहा है, 2 दिन आपको ट्राई करना है, 2 दिन में तो पक्का ये काम देगा। उसके बाद क्या करना है आपको, थोड़े दिन के लिए कंटिन्यू करना है। जब आप देखोगे ना, नहीं अभी आप एकदम ठीक है, और ये ना ये रेमेडी बना के जो चाय बना के जो आप खाओगे ना, ये चाय से और एक चीज़ बहुत अच्छा होगा, सुबह में जब अपना स्टूल पास करोगे ना, तो
जितना भी पिन वर्म जो है ना, जो उसका अंडा हो या फिर उसका जो नया नया जो पिन वर्म हुआ है वो सारा स्टूल के साथ पास हो जाएगा। तो ये चीज़ ना आपको करना है, ये चीज़ करके आप दो दिन देखना, आपका जो पिन वर्म से एकदम सच जड़ से छुटकारा मिल जाएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये वाला रेमेडी ज़रूर ट्राई करना घर पर। तो ये चीज़ आज आपके साथ शेयर करना था, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया ना एक लाइक करके ज़रूर जाना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है कि ऐसे टॉपिक में बात करने के लिए। बार देख रहे हो नमस्ते, मैं हूँ स्वाति, मेरे चैनल का नाम है स्वाति राज का लाइफस्टाइल। सब्सक्राइब करके जरूर जाना ताकि आपको व्लॉग के साथ साथ इस तरह का वीडियो भी देखने को मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।